मुझे लगा बाबा जी ने मेरी सुन ली, लेकिन मुझे लगता है मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। दीदी पुत्र हुआ क्या है, इतने गुस्से में क्यों है तू? शांत हो जाना यार, मुझे नहीं बात करनी, समझ में नहीं आ रहा तुझे? एक बार मुझसे बात करनी, मुझे नहीं बात करनी परी, प्लीज यार। दीदी पुतरी देख, देख उसको लग गई। दीदी क्या कर रहे हो बेटा? मम्मी आप तो बाहर ही रहो। बेटा दरवाजा तो खोल, मुझे तो अंदर आने दे। आपको क्या पड़ी है? हाँ वैसे भी आप मुझे दूर ही करना चाहते हो ना, शादी के लिए रिश्ते तो ढूंढ रहे हो मेरे लिए। वाहेगुरु जी, कौन समझा इस पागल लड़की को? वैसे परी है ना, उसके साथ सब संभाल लेगी। दिखा इधर, ज्यादा तो नहीं लगी? तूने बात कर ली ना, अब सब ठीक हो जाएगा। पता है मुझे सब ठीक हो जाएगा। नीति यार इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मुझे मत बता क्या करना क्या नहीं, बैठ इधर। पर सुन मेरी बात। बैठ। आज ना सारे फसाद की जड़ तू ही है। नीति पर मैंने अब क्या? कोई बहस नहीं करनी मुझे तेरे से। तुझे तो बचा के ही गलती कर दी मैंने, और उस गलती की सजा आज मुझे भुगतनी पड़ रही है। यानी क्यों है इतनी कमजोर यार तू? खुद को संभालना भी नहीं आता, पता नहीं क्या करेगी लाइफ में। और जानबूझकर तुझे कुल्हाड़ी मारने का शौक चढ़ा था ना अपने पैरों पर। सब बोल रहे थे मत कर उससे शादी, मत कर उससे शादी, लेकिन नहीं, बलिदान की देवी बनने का शौक चढ़ा था तुझे। परी आखिरी बार बता रही, सुधर जा। कब शुरू करेगी अपने बारे में सोचना यार? तेरी इस नादानियों की वजह से ना आज मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, मुझे शादी के जाल में फंसाना चाह रहे हैं यार। मेरे अपने सपने हैं ना, और मैं अपने सपनों को बलिदान नहीं दे सकती तेरी तरह। कम घुटता मेरा इस छोटे से पिंड में, और कुएं के मेंढक वाली जिंदगी ना तुझे मुबारक। मुझे नहीं पड़ना इस शादी ब्याह के चक्कर में, और तेरे बाबूजी खुद तो तुझे आजादी की जिंदगी जीने नहीं देते, ऊपर से मेरी मम्मी के साथ मिलकर मेरी आजादी भी छीनने में लगे हुए हैं यार। मैं आखिरी बार बता रही हूँ परी, मुझे ना अपने सपनों को पूरा करना, शादी या नहीं करनी मुझे। मुझे इतना गुस्सा। देख मुझे पता है तुझे अपने सपने पूरे करने, पर मम्मी जी बाबूजी भी तो हमारे भलाई चाहते हैं ना। अगर वो हमारे लिए अच्छा रिश्ता नहीं ढूंढेंगे तो क्या पड़ोसी ढूंढेंगे? वरना मिल जाएगा राकेश जैसा कोई कंजर। जी नहीं, वो चाहते हैं कि हम शादी करें, अपने ससुराल में कैद हो जाए, अपने सपने भूल जाए, और अपनी जिम्मेदारियों से ना वो मुक्त हो जाए। नीति ऐसा तू सोचती है? उनकी भी तो तकलीफ समझने की कोशिश करना यार, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा भला चाहते हैं और कुछ नहीं। तो ऐसा भला ना तू ही करवा, मुझे माफ कर दो यार। जो मेरे सपनों के बीच में आएगा ना उससे मेरा भला थोड़ी होगा पागल कहीं की। नीति तुझे इस पिंड से निकल के बड़े शहर जाना है ना? और नहीं तो क्या, बस इतनी सी बात? तो इतना तूफान मचाने से अच्छा अपने लिए कोई ऐसा लड़का ढूंढ जो तुझे तेरी मंजिल तक खुद अपने साथ लेकर जाए। सही बोल रही हूँ मैं? कोई चंडीगढ़ या दिल्ली वाला लड़का जो शादी के बाद तुझे तेरी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने की आजादी दे, जो तेरे सपने पूरे करने में तेरी मदद करे। चुन ले कोई शहर का समझदार और एडवांस लड़का। तेरी मेरी दोस्ती है जिंदगी की आस, मेरा दिल धड़क रहा है। एक बार बस अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, उसके बाद घुटनों पे बैठ के नीति जी को अपने प्यार का इजहार करूंगा। या फिर एक बेस्ट आइडिया है, अपने पिंड या जान पहचान वालों में से एक ऐसा लड़का ढूंढ जो तुझसे बहुत प्यार करता और तेरे सपने पूरे करने में तेरी मदद करे। ऐसे में तेरे सपने भी पूरे हो जाएंगे और तेरी मम्मी जी बाबूजी का अरमान भी। बात तो पते की है यार तूने, वैसे इतना दिमाग आया कहाँ से तुझमें? पर पता है लास्ट वाला आइडिया ना इतना अच्छा नहीं लगा मुझे जितना पहले वाला लगा। इसका मतलब अब कोई शहर वाला लड़का ही होगा जो मेरे सपनों के प्लेन को लैंड करवाएगा। क्यों हुआ पुत्र जी, मिली तेरे सपनों की परी? नहीं मुझे। मैंने तो पहले ही पता था नहीं मिलने तुझे वो, क्योंकि पुत्र जी तेरा रिश्ता सपनों की परी के नाल नहीं, असली परी के नाल होना है, मतलब जसवंत भाई साहब की कुड़ी परिनीत के नाल। इसलिए मैंने कविता बहन जी को पहले ही भिजवा दिया था तेरा रिश्ता लेकर उनके घर। अब बस पुत्र जी, कल सवेरे चलेंगे परिनीत के घर। देख लेना, तुझे देखते ही पसंद कर लेना। अब समझो रिश्ता पक्का। सस्रीकाल, सस्रीकाल बहन जी, सस्रीकाल की हाल चाल? सस्रीकाल बहन जी, बस ठीक ठाक, बस थोड़ा ही इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खबर लेके आई है जी, बहुत बड़ी खुशखबरी। वाह जी वाह, इतने वाहगुरु जी की मेहर हो गई जी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं परी दी फोटो दिखाई थी उनको, जिनके पेंची के कार गई नहीं थी कल। हाँ जी। तो बस उनको ना परी बहुत पसंद आई है। वाहिगुरु जी की मेहर है जी।
परजाई जी, आपने मेरे विक्रम के साथ खेल खेला ना, अब देखो मैं आपके और आपकी बेटी के साथ क्या गेम खेलती हूँ। तो बस फिर ले आओ गुलाब जामुन। बताइए क्या पियेंगे आप, चाय कॉफी? परजाई जी आज तो आपके हाथ की चाय पिलाना बनती है इनको, क्या बोलती हैं आप? हाँ क्यों नहीं, उसके बाद हम सब मिल बैठ कर चाय पीते पीते पन्नीत के लिए सोना सा मुंडा ढूंढ देंगे, क्या बोलती? हाँ जी क्यों नहीं, मैं बस अभी गई और अभी आई। गुलाब जामुन लाना मत भूलना। हाँ जी। अरे कविता जी मुझसे ना सबर नहीं हो रहा, दिखाइए दिखाइए उस लड़के की फोटो, दिखाइए रिलीफ के लिए जिसका रिश्ता लाई है। हाँ जी हाँ जी, कितनी बड़ी गल है, दिखाती हूँ। ये देखो जी, मतलब मेरा शक सही निकला, ये सब परिणीत और उसकी माँ का किया कराया है। दोनों ने पहले इस लड़के की माँ से बात कर ली होगी, तभी तो उन्होंने कविता जी के साथ ये फोटो भेजी। अब ये फोटो वीर जी को दिखाएंगी और फिर दबाव डाल के उनसे हाँ करवाएंगी इसके लिए। उन्हें उनकी मर्जी का लड़का मिल जाएगा और हम एहसान तले दब जाएंगे। चाल तो बहुत अच्छी खेली है इन माँ बेटी ने, पर मैं भी कम नहीं हूँ। देखना अभी कैसी बाजी पलटती है। बड़े सपने देख रही है ना परिणीत अपने इस ब्याह के, अब उसके ये सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। हाँ जी बहन जी, कैसा लगा रिश्ता, अच्छा है या? अरे इस लड़के को तो हम पहले ही देख चुके हैं। अरे पूनम जी है ना आपकी कॉम्पिटिटर, पूनम जी वही तो रिश्ता लाई थी इस लड़के का। अरे हमारे वीर जी है ना, उनको तो ये रिश्ता जरा भी पसंद नहीं आया, न लड़का पसंद आया न लड़के का परिवार पसंद आया, उल्टा गुस्सा हो गए थे वीर जी। पता है क्यों? कहने लगे परिणीत को ऐसे घर में देंगे, इसलिए गलती से भी इस फोटो को आप किसी को दिखा मत देना। अरे पहले जिस रिश्ते के लिए मना हो गया, क्या मतलब ना उसको सबसे बताने का, तो मतलब नहीं बनता है। मैं तो कहती हूँ अगर आपको अपना कमीशन बनाना है और रिश्ता करवाना है तो एक दूसरा रिश्ता बताइए, नया अच्छा लड़का, ठीक है? ये फोटो तो गलती से भी मत बताइएगा, वरना वीर जी को तो जानते हैं ना आप कितना गुस्सा करते हैं। चंगा किया बहन जी जो आपने मुझे बता दिया, रिश्ते तो और भी मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे पड़े हैं। थैंक यू बहन जी। अरे थैंक यू की क्या बात है जी, आप तो अपनी वाली है ना। ओ वीर जी आ गए, चलिए चलिए मेरी बात याद रहेगी ना, चलिए आइए आइए। खाद ट्रक आ गए, एक काम करिए 60 बोरियां जो है ना बठिंडा वाली पार्टी में भिजवा दी, 70 बोरियां जो है ना बरनाला भिजवा दी। सस्रीकाल वीर जी, सस्रीकाल जी, सस्रीकाल वीर जी। थोड़ा इंतजार हो जैसे, आओ बैठो। हां जी वीर जी, मैं हूं यहां। लाए मुंडे दी फोटो? हां जी वीर जी, एक से बढ़कर एक मुंडे है जी, बहुत बढ़िया कारोबार है। हाँ आ देखो जी, सारे बहुत बढ़िया मुंडे है जी, बस छड़ के जी। की होया उस मुंडे च की बुराई? नहीं नहीं वीर जी, खराबी कोई नहीं है जी, बस कल इसका रिश्ता हो गया इसलिए। कोई देखी, कोई चंगी लगी फोटो? तो बस उन्हीं देखा नहीं लग गया। चाल लगी जी। तू भी देख। जी जी देखो ना, तुसी भी मुंडे तो सारे चंगे लग रहे हैं। इन माँ बेटी की चाल तो कामयाब होने नहीं दूंगी अब मैं भी देखती। अब ये क्या करती हैं दोनों की दोनों, कितनी भी प्लानिंग कर लो मंदीप आपके हर प्लान को फेल कर देगी परजाई जी। हाँ ये ठीक लग रहा है बीजी, तुझे देखो ये लड़का हमें पसंद आ रहा है, इसके बारे में बताओ कुछ। हाँ जी हाँ जी, ये अपना वरुण है जी, और बहुत ही बढ़िया मुंडा है जी, ये मुंडा भी और खानदान भी दोनों परी के लिए बहुत बढ़िया है जी। हरमान जी, वीर जी ये देख कैसा लग रहा है तेरे को लड़का, आपको पसंद है वीर जी? ये तो अच्छा ही लग रहा है। बस ठीक है, मैनू भी पसंद है, मेरी तरफ से हाँ वीर जी। ये देखो भाई के भक्त, जो कहेंगे वही ये भी। इसके माँ बाप को बुला लो, आगे की बातचीत हम कर लेते हैं। हाँ जी हाँ जी जरूर। क्या सोच रहा है वीरे? कुछ नहीं, तू जा यहाँ से, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ और मत कर। परेशान मैंने नहीं, उन दोनों कुड़ियों ने कर रखा है तेरा। एक वो जिसे तू प्यार करता है, जिसके बारे में तू कुछ नहीं जानता, और दूसरी ताई जी की पसंद, जिसके बारे में ताई जी सब कुछ जानती है। ये तो परेशानी है, जिस लड़की को मैं लाइक करता हूँ उसका नाम तक नहीं जानता, और जिस लड़की की मम्मी पसंद करती है उसका मैं नाम जानने में कभी इंटरेस्टेड था ही नहीं। पर पता नहीं क्यों बार बार उसकी चिंता लगी रहती है, ऐसा लगता है कि वो किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसी रहती है, उसको प्रॉब्लम से बचना नहीं आता। बड़ी सीधी सादी भोली भाली टाइप की लड़की है। सीधी सादी भोली भाली टाइप ना? मेरे यहाँ बैंड बजी हुई है तुझे फिर मजाक सोच रहे, कभी तो सीरियस हो जाए।
वीर जी वो जोड़ियां बनाने वाली आ गई है। पर जोड़ियां तो ऊपर बनती है ना, उससे बनाने वाला आज नीचे कैसे आ गया? बैड जोक, बैड जोक, बैड जोक। मैं कविता आंटी की बात कर रही हूँ, वो आ गई और मामा आपको नीचे बुला रही है। चुड़ैल गुंडे चला चला। भाई मैं नहीं चाहूंगा, प्लीज पता चले तेरे साथ साथ मेरा भी ब्याह करा दे, मैं ना हैप्पी सिंगल हूँ। कोई नहीं बेटे, तेरा भी टाइम आएगा और जब तेरा टाइम आएगा ना मैं भी ऐसे मजाक करूंगा। क्या मना कर देता मेरे राजीव का रिश्ता? मना कर देता की होया जसवंत भाई साहब नो कि मेरा मुंडा पसंद नहीं है उनको? कुछ भी सच्ची कविता बहन जी, ऐसा ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे इन लोगों से। ये मम्मी बड़ा क्यों रही है इतना यार? चला चल के देखते। ना जी ना बीर जी, मैं नहीं आ रहा। भाई जी देखो कितने गुस्से में, पता चला सारा गुस्सा मुझ पे ना निकाल दे। मम्मी क्या हो गया? अरे पुत्र जी वो रिश्ता भेजा था ना हमने परिनीत के वास्ते, वो जसवंत भाई साहब के यहाँ रिजेक्ट कर देता। बताओ मम्मी तो कोई बात नहीं ना, दुनिया की आखिरी लड़की थोड़ी ना, उससे बहुत अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी हम छोड़। और वैसे भी उनकी लड़की उनकी मर्जी उनका फैसला, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? छोड़ो ना यार। ऐसे कैसे छोड़ू मैं, तुझे रिजेक्ट कराया उन्होंने। बताओ कोई बात हुई कविता बहन जी? तुझे कम कर, दोबारा उनके घर जाओ, दोबारा मेरे मुंडे की फोटो दिखाओ उनको और उनको बताओ कितना कितना पढ़ा लिखा है मेरा मुंडा। देखते कोई ऐसे वैसे काम नहीं करता। हाँ और ऊपर से सुंदर है, सुशील है, संस्कारी है, बड़ों की बातें मानता है जी, रिस्पेक्ट करता है सबकी। ऐसा मुंडा मिलेगा उनको कहीं पूरे शहर में? आप उनको बताओ ये सब। और सबसे बड़ी गलत तो ये है कि मेरा मुंडा है गुरिंदर बाजवा का मुंडा, ऐसे कैसे मना कर देता? देखिए बहन जी शांत हो जाइए आप, उनके पास जाने का ना कोई फायदा नहीं है अब। क्यों क्यों क्यों? उनको कोई और मुंडा पसंद आ गया है। देखिया तुसी कि आर्किटेक्ट का कोर्स ना करी ना करी। ओ मम्मी आर्किटेक्ट कहाँ से आ गए इसके बीच में? ओ नहीं तो क्या, कहा था तुझे दूसरा कोर्स करने के लिए, पर मेरी गल तो माननी नहीं है तूने। हैं तुझे लगा था शौक कर बनाऊंगा, खुद का कर नहीं बना सका, कर दिया ना रिजेक्ट। थैंक यू वैगुरु जी, जो रिश्ता रिजेक्ट हो गया लगता है मेरी किस्मत में मेरे सपनों की रानी लिखी है। ओ यार मम्मी शांत हो जाओ ना, किसी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो क्या हो गया? और जो आपने लड़कियां रिजेक्ट किया मेरे लिए उसका क्या? और कुछ नहीं, हमारी तरफ ऐसे ही होता है। पर तेरे को रिजेक्ट कर दिया तो विश्वास ही नहीं हो रहा है बताओ। और शांत तो मैंने अब तेरा ब्याह कराकर ही होना है, चुप कर तू। और कविता बहन जी तुसी एक काम करो, अब वो जो दूसरी लड़की दिखाई थी ना आपने, बस उसके साथ फिक्स कर दो मेरे रजीदा रिश्ता। ये इसकी दोस्त है, बहुत पक्की दोस्त है इसकी। ओ मम्मी इतनी क्या जल्दबाजी है? नहीं 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 आंटी आप अभी नहीं पूछेंगे। ओए तू चुप कर, किसी नो हक नहीं बनता साड़ी बेइज्जती करने का। वो परी नहीं था ना, वो साइड हटा उसको, उससे कई बेहतर लड़की मैं अपनी नू बनाकर ले आऊंगी इस घर। तू अपना दिल छोटा ना कर, आप करो जी फिक्स, वो दूसरी लड़की नाल फिक्स कर दो राजीव का रिश्ता। मैंने बता दिया। कौन आ रहा है? आप इसकी बात तो नहीं कर रहे थे? हाँ जी बस यही लड़की, आप ना अज दे अज जाओ इसके घर वालों से मीटिंग फिक्स करो, यही बनेगी साडे घर की नू। मुंडा पसंद है तू भी एक बार देख ले, शायद तुझे भी पसंद आए। बाऊजी अगर आपने पसंद किया है तो अच्छा ही होगा, मुझे आपकी पसंद मंजूर है। मुझे पता था मेरी परनीत अपने बाऊजी की बात कभी नहीं टालेगी। जब तक तू जल्दी से तैयार हो जा, लड़के वाले रास्ते में आते ही होंगे। जी बड़ी मुसीबत वाला काम है यार ये तो, इसको समझ ही नहीं आ रहा क्या पहनूं। एक काम करती हूँ परी से पूछ लेती हूँ। ले उसी का फोन आ गया। हेलो हाँ परी बोल। नीति सुनना प्लीज जल्दी से मेरे घर आ जा। बाबा जी इतनी कंफ्यूज तो मैं अपने एग्जाम में भी नहीं हुई। मैं सब क्या बोल रही है नीति? अच्छा सुन, बाऊजी ने ना मेरे लिए एक लड़का पसंद किया और लड़के वाले आज ही आ रहे हैं मुझे देखने। तू मेरे साथ रहेगी ना तो मुझे हिम्मत मिलेगी, इसलिए प्लीज आ जा और उनके आने से पहले आ जाना प्लीज। नहीं आ सकती यार, लड़के वाले तो मुझे भी देखने आ रहे हैं। चल अब मैं फोन रखती हूँ, ठीक है? मुझे भी तैयार होना है। ओके बाय। नीति
अगर आपको नीति अच्छी लगती तो आप उसे बताते क्यों नहीं? आपकी फीलिंग्स उस तक पहुंचाने में मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। अरे तू समझ रही है ना, मैं नीति जी के लायक ही नहीं। एक बार बस अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, उसके बाद घुटनों पे बैठ के नीति जी को अपने प्यार का इजहार करूंगा। कल जब बाबूजी ने कहा था कि उन्होंने मेरे और नीति के लिए लड़के देखने शुरू कर दिए, तो मुझे लगा था कि उस काम को थोड़ा वक्त है और नीति को भी अभी शादी नहीं करनी, उसे सबसे पहले अपने सपने पूरे करने। तो फिर जी मैंने नीति से बात की तो उसने कहा कि उसे आज लड़के वाले देखने आ रहे पर उसे शादी नहीं करनी है, उसके घर वाले उसे फोर्स कर रहे हैं वीर जी। इसलिए मैंने नीति से कहा या तो वो ऐसे लड़के शादी करे जो शहर में रहता हो ताकि उसके सपने पूरे हो जाए, या तो वो पिंड के ऐसे लड़के शादी करे जो उसे बहुत प्यार करता और उसके सपने भी पूरे करे, यानी कि आप वीर जी। पर वीर जी उसने अभी मुझे बताया कि उसे आज लड़के वाले देखने आने वाले। अच्छा ये लड़के से याद आया, आज तुझे भी लड़के वाले देखने आ रहे हैं ना, बीजी ने अभी मुझे बताया। जी वीर जी, इसलिए वीर जी मैंने आपसे कहा था मुझे आपके दिल की बात नीति तक पहुंचाने दीजिए। वीर जी मैं उसे जानती हूँ, वो आपको मना नहीं करेगी और आप और नीति एक दूसरे को बहुत खुश रखोगे। देख परी, दोस्ती अलग है और शादी का फैसला करना अलग है। जब भी शादी की बात आती है ना तो इंसान अपने दिल की सुनता है, ना कि दोस्ती की। और वैसे भी तू टेंशन मत ले, मैं नीति जी को अच्छे से जानता हूँ, अगर उन्हें अभी शादी नहीं करनी है ना तो वो कुछ ऐसा कर जाएंगी लड़का उन्हें खुद ही रिजेक्ट कर देगा, समझी तू? हाँ टेंशन मत ले। शायद आप सही कह रहे हैं वीर जी, उसकी बातों से भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। अब एक काम कर, तू जल्दी से जाके तैयार हो जाओ और टेंशन मत ले, हाँ नहीं तो ताऊ जी आ जाएंगे और मुझे डांट पड़ जाएगी। ठीक है चल जा, जा जल्दी से तैयार हो जा। मैं नीति को लेकर आती हूँ। असल विशाल, नीति नीति तू क्या कर रही है? लड़के वाले आ गए हैं, जल्दी से चल के चाय नाश्ता पानी पूछ उनसे, लेकिन जरा तमीज से, ठीक है? चल मम्मी मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं मिलना किसी से। कैसे कैसे नहीं मिलना? और ये क्या कानों में तूने कुछ पहना नहीं, ना चूड़ियां पहनी है, जल्दी आ उधर बैठ। मम्मी यार मुझे नहीं मिलना किसी से। जल्दी बैठ, जल्दी बैठ। नहीं बैठ ना, बैठ, नहीं देर हो गई है, अभी तक तो तुझे तैयार हो जाना चाहिए था। पुत्र सुन, अगर मैं तेरी तरह तेरे डैडी जी से मिलने के लिए इनकार कर देती ना तो तू बता आज तू होती क्या? अब तू ज्यादा जिद मत कर और जल्दी से लड़के वालों से मिल ले, मुंडा मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लड़का है। हाँ क्यों कर रहे हो? चलो चलो पहले, जबरदस्ती कर रहे हो ना आप। पुत्र अच्छा मुंडा है, जल्दी चल के नीचे चल। आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई जी आपको? ना जी बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं मिलना। अरे मैं नहीं जा सकती। मम्मी यार यहाँ खड़े हो, चूड़ियाँ पहन। अरे मम्मी हाँ? एक काम करो, परी को ना उस लड़के की फोटो भेज दो, जब तक वो अप्रूव नहीं करेगी मैं शादी कैसे करूंगी, उसका अप्रूव करना बहुत जरूरी है, आपको तो पता है ना, उसकी फोटो भेजो पहले। पक्का? हाँ। परी जो बोलेगी मानेगी तू? हाँ। फिर अपनी जुबान से मुकर ना मैं। अच्छा पहले फोटो भेजो तो सही उसे। ठीक है। अगर मुझे पता होता कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, तो मैं माँ को सब कुछ बता देती। अता पता क्या, मुझे तो नाम तक नहीं पता तुम्हारा। जा 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 जल्दी। मम्मी मैं इधर बैठो। फोटो क्यों? सॉरी जी, वो नीति दी के फ्रेंड को आपकी फोटो सेंड करनी थी, इसीलिए क्लिक कर रहा था। कोई गलती, खिच खिच। करुण अन्ना, सॉरी जी आप नहीं, जी जज Smile.
विशाल का मैसेज? ये लड़का नीति दी के रिश्ते के लिए आया है, बताइए कैसा लगा? विशाल मैं बिजी हूँ और मुझे फोटो मत भेज, वैसे लड़का स्मार्ट है। लोन वाला मोबाइल नंबर पता नहीं कहाँ से मिल जाता है। मेरी शादी की बातें हो रही हैं और इन्हें अब लोन देना, कमाल है। परी पुत्र चल, टाइम हो गया जी।